जय दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियोस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, अगर आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन हो, चाहे आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी हो, जो भी विषय हो दोस्तों, उसमें से एक सवाल इसमें डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, एक सवाल डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसमें हम कंप्लीट डिस्कस क्या बात करने वाले हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस, उसकी नेचर्स, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को रिसर्च करने का, कितने टाइप्स होते हैं वो भी हम साथ ही साथ देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में देखेंगे तो दो शब्द हैं, पहला क्या है, शिक्षा, दूसरा मनोविज्ञान, ठीक है। यानी कि शिक्षा में मनोविज्ञान का इस्तेमाल। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, यानी कि आपके मन का अध्ययन करना, आपकी आत्मा का अध्ययन करना, आपके व्यवहार का अध्ययन करना, ये दोस्तों साइकोलॉजी कहलाता है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल्स में देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? शिक्षा और मनोविज्ञान, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, शिक्षा और मनोविज्ञान, अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ है। क्या है दोस्तों? दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान को समझ जाइए दोस्तों, मनोविज्ञान का इस्तेमाल शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और मनोविज्ञान को कैसे समझेंगे आप, यहां से समझिए मनोविज्ञान का अर्थ। देखिए, मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, और साइको का साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लॉगोस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब आपके आत्मा का अध्ययन। तो साइकोलॉजी का मतलब, अच्छा आपने कभी साइकोलॉजिस्ट देखा है? साइकोलॉजिस्ट अगर आपकी कोई समस्या में, जैसे ओवर थिंकिंग हो गई, टेंशन हो गया, चिंता करना, भूख न लगना, कोई भी ऐसी, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास बैठिए, वो आपसे बात करते करते बात करते करते आपको माइंड को ऐसे डाइवर्ट कर देंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किसी बुरी लत लग जाना, चाहे नशा का, शराब का, जुआ का, या अन्य किसी चीज़ों का लत लगा, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके दिमाग से खेल लेते हैं, आपके मन से खेल लेते हैं, और बात करते करते आपके मन को चेंज कर देते हैं, फिर आपको चीज़ें वो वहाँ पे आप नहीं जाते। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके आत्मा का अध्ययन, आपकी आत्मा का अध्ययन, आपका मन का अध्ययन, ठीक है। अब इन चीजों का शिक्षा में प्रयोग, अब आप कहोगे सर शिक्षा में कैसे इसका प्रयोग करेंगे? आपने तमाम मनोवैज्ञानिकों के नाम सुने होंगे, जैसे कि जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या किया? आपके आत्मा, आपके मन, आपके व्यवहारों का अध्ययन किया कि कोई बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, कोई बच्चा कैसे सोचता है, कोई बच्चे के अंदर विकास कैसे हो पाता है। तो आपके इंटरनल जो पावर है दोस्तों, आपकी मन, आपकी आत्मा, आपके व्यवहार, इनका अध्ययन किया और उसको शिक्षा में जोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए चाहे जितने भी मैंने नाम लिए, थॉर्नडाइक, पावलोव, जीन पियाजे, स्किनर, ये सब लोग क्या है, ये दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने शिक्षा में रिसर्च करी, शिक्षा और शिक्षा में एक नियम, एक थ्योरी थी, ठीक है। तो यही देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों, मनोविज्ञान समझ में आ गया। अब जब दोस्तों आपको मनोविज्ञान समझ में आ गया, तो उसी मनोविज्ञान का आपका शिक्षा में प्रयोग। चार्ट हम दिखाएंगे, पहले यहाँ पे जरा मनोविज्ञान को और समझ जाए। मनोविज्ञान संपूर्ण मानव के व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। पावलो ने क्या किया था? पावलो ने एक कुत्ते को क्या किया था, जब भी खाना देते थे घंटी बजाते थे, तो वो क्या करता था, वो लार निकालता था। खाना देंगे, लार निकालेंगे, घंटी बजाएंगे। एक बार उन्होंने क्या किया कि खाना देना बंद कर दिया, केवल घंटी बजाई, बच्चे कुत्ते का स्लाइवा लार निकलना शुरू हो गया। उन्होंने उनके व्यवहार, उनका अध्ययन किया कि ये बच्चा इस चीज से कनेक्ट करके ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने क्या किया, थॉर्नडाइक ने कि बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, बाहर मछली रख दी, वो रिएक्ट करने लगी, प्रयास। उन्होंने क्या किया, व्यवहारों का अध्ययन किया, ठीक है। तो मनोविज्ञान संपूर्ण मानव व्यवहारों का अध्ययन है। मनुष्य के भीतर होने वाली मानसिक घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन मनोविज्ञान के अध्ययन के आधार है, ठीक है। मानव व्यवहार प्राकृतिक और अर्जित दोनों है, इसलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत इन दोनों वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान का मतलब दोस्तों आपके व्यवहारों का अध्ययन, बस इतना आपको यहाँ पे समझना है। अब जब बात शिक्षा मनोविज्ञान की जाएगी, तो विद्यार्थियों के व्यवहारों का अध्ययन करके शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना, शिक्षा प्रक्रिया को सही करना, शिक्षा को और बेहतर बनाना। स्किनर महोदय क्या कहते हैं दोस्तों, स्किनर महोदय के बारे में देखिए। स्किनर महोदय यहाँ पे कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार अथवा व्यक्तित्व तो आ जाता है, संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, पर्सनालिटी आ जाता है। सारे व टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, और यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। समझ में आ गई बात? ये हो गई दोस्तों सारे टफ्सर के अनुसार।
बस ऐसे छोटे छोटे परिभाषाएं, सिंपल सी बात यह है दोस्तों, मनोविज्ञान का मतलब आपके मन का, आपके व्यवहारों का अध्ययन, और शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब शिक्षा जगत में विद्यार्थी के मन और व्यवहारों का अध्ययन करके उसको क्या करना, सिखाना। क्रो और क्रो महोदय क्या लिखते हैं, क्रो और क्रो महोदय ने इसको कैसे परिभाषित किया ये जरा देख लीजिए। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक चलने सीखने के अनुभवों का वर्णन है तथा व्याख्या करता है। बात समझ जाएगी, एक बच्चा जन्म से, हर एक मनोविज्ञानिकों ने यही कहा ना, जीन पियाजे ने क्या कहा, जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई कि 0 से 2 साल कैसे सीखता है, फिर 2 से 6 साल कैसे सीखता है, 6 से 12 साल कैसे सीखता है, 12 से 1 साल कैसे सीखता है, तो जन्म से लेके वृद्धावस्था तक वो कैसे सीखता रहता है, उसके कैसे व्यवहार है, कैसे अध्ययन करता है, इसी का दोस्तों क्या है वर्णन है। तो क्रो और क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए स्टीफन ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, सिस्टमेटिक अध्ययन है दोस्तों, सिस्टमेटिक आपका अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का। अब आप इसमें भी देखेंगे शैशवावस्था में कैसे रिलेट करेगा, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तो ये क्या है दोस्तों, हमारी हर एक अवस्थाओं में कौन बच्चे कैसे सीखेंगे, इसी का अध्ययन है। और इसी के अंदर ये जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ ये एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर आएंगे, और इन्होंने काम किया, किसी भी साइकोलॉजिस्ट को देखेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट को, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने यही काम किया कि बच्चा सीखता कैसे। ठीक है, लेवायगोत्स्की कहते हैं बच्चा भाषा से सीखता है। ठीक है, जीन पियाजे कैसे अपने परिपक्वता से, मेच्योरिटी से सीखता है, तो ये सारी चीजें उन्होंने सीखने पर बल दिया। सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, सबने अपने अनुभवों के आधार पर इसकी व्याख्या करी। ठीक है, थॉर्नडाइक कहते हैं कि बच्चा प्रयास एवं त्रुटि गलती कर करके सीखता है। ठीक है, पावलो कहते हैं कि बच्चा कनेक्शन बना के, एक अनुबंधन बना के बच्चा सीखता है। ठीक है, स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि बच्चे को अगर कुछ अच्छा करने पे इनाम मिले तो वो अच्छा करता जाएगा और वो सीख जाएगा, गलत करने पे दंड मिले तो वो करना छोड़ देगा, स्किनर ऐसे कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये जो भी परिभाषा है दोस्तों इतना आसान है कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे, एक बार लिखेंगे, डेफिनेटली आपको हमेशा याद रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, वैसे पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर। तो यहाँ तक बात हुई परिभाषा की, अब यहाँ तक आपने समझ में देखा सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, आपके जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी आपका अनुभव है, जो भी आपकी क्रियाएं हैं, उसका अध्ययन है। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब मन का अध्ययन, शिक्षक मनोविज्ञान मतलब शिक्षा में मन का अध्ययन, उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल, उसे करके बच्चों को सिखाना। बात समझ में आ गई, यही तक है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। आगे आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी विशेषताएं क्या है, जो आपने अभी तक पढ़ा, जो आपने अभी तक पढ़ा वही सारी इसकी क्या होंगी, इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार को निर्देशित एवं संशोधित करता है, मानव व्यवहार को निर्देशित करता है मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देगा, निर्देशन देगा, संशोधित करेगा मतलब जो भी बच्चा कुछ गलत तरीके से कर रहा है उसको सही करेगा, संशोधित करेगा, ये इसकी सारी विशेषताएं होगी। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, आप देखते आ रहे हैं, जिसका प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार को समझकर उसके अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है। भाई मुझे ये बेस्ट लाइन लगी, ये बेस्ट एग्जाम्पल लगा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। भाई देखिए बहुत अच्छे, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों व्यवहारिक विज्ञान है, जिसका प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार को समझ कर उसके अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये समझ में आ गया। चलिए इस लाइन को आप हूबहू लिख लीजिएगा, बस यहीं से आप पूरा बना सकते हैं। तीसरी विशेषता की बात करें, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान करता क्या है, तो भैया एक वैज्ञानिक अध्ययन है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि बालक व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधि नियमों सिद्धांतों के आधार पर शैक्षिक वातावरण में किया जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, वही सारी चीजें बस शब्दों को बदलकर यहाँ पे लिखा जाए। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तु पूरक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मनोवैज्ञानिक बालक के पूर्ण व्यवहार का अध्ययन करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, खोज करता है तथा किसी निर्णय पर पहुंचता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार का प्राकृतिक विज्ञान भी है। कैसे प्रकृति विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या करता है, किसी बच्चे के अंदर रिसर्च करता है, खोज करता है, अगर कुछ कमी हो तो उसको समझता है, कुछ अच्छाई हो उसको समझता है, उसको नोट करता है और एक लास्ट में निर्णय लेता है, खोज करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, निर्णय लेता है, ये क्या है दोस्तों, एक प्रकृति विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के व्यवहार का अपेक्षित परिवर्तन लाने में सक्षम है, शिक्षा मनोविज्ञान से छात्र के व्यवहार क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में सकारात्मक रूप से यह अध्ययन किया जाता है कि बालक व्यवहार कैसे और कैसा है और कैसा होना चाहिए, इसलिए एक सकारात्मक विज्ञान, एक पॉजिटिव साइंस है। मतलब आप शैक्षिक मनोविज्ञान में ये समझते हैं कि बच्चा रिएक्ट कैसे कर रहा है, उसको कैसे करना चाहिए, और जैसे करना चाहिए उसके रिएक्शंस को, उसके व्यवहार को आप उस तरीके से ढाल। ठीक है, बात समझ में, यही सारी चीजें दोस्तों आपके
जब आप किसी के व्यवहार पर अध्ययन करेंगे, क्यों करेंगे? उसके व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए, उसके व्यवहार को समझने के लिए, उसके आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, एक निर्णय लेने के लिए, उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उसके व्यवहार को बेहतर करने के लिए। यही कहने का मतलब पूरा शिक्षा मनोविज्ञान का विशेषता है। कुछ और पॉइंट देख लेंगे, सेम चीजें रिपीट की गई होंगी, इसी तरीके लिखा होगा। शिक्षा मनोविज्ञान में छात्र और शिक्षक के संबंध में घनिष्ठता होती है, ठीक है। आप अगर बच्चे को समझ लेंगे कि वो प्यार से पढ़ता है और आप उसे प्यार से पढ़ाएंगे, तो एक घनिष्ठता भी तो बनेगी शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में, जैसे हमारे और आपके बीच में है, ठीक है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है क्योंकि बच्चा समाज से सीखता है, और बच्चे को समाज से जब सीखता है तो उसके व्यवहार को बदलेंगे तो वो अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनेगा, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान को जोड़ने की, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों की जोड़ने की एक कड़ी है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण और सिखाने से है, सीखने और सिखाने से है शिक्षा, ये इसकी विशेषताएं आप बस देखते जाइए। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से पूर्व ही अध्ययन की शुरुआत कर देता है। बच्चा गर्भ अवस्था में वो कैसे रहता है, कैसे रिएक्ट करता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन शुरू कर दिया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने में किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये दोस्तों हो गई इसकी विशेषताएं। अब आइए, इन चीजों को आप करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा। ये तो विशेषताएं हो गई कि आपको ये करने के लिए आपको जरूरत है शिक्षा में ज्ञान। अब इसको करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? तो भैया बिल्कुल वही पर्पज है दोस्तों, पहला कि आपको एक दृष्टिकोण का विकास करना है, आपको ये समझना है कि बच्चा सीखे। ये देखिए, आपने प्रक्रियाएं की, आपने क्रियाएं की, अब आपने क्या निर्णय निकाला, आपने एक निर्णय निकाला कि बच्चा इस तरीके से सीखेगा। आपने एक निर्णय लिया, आपने एक दृष्टिकोण बनाया कि बच्चा ऐसे सीखा, आपको एक मेथड, एक तरीका समझ में आ गया। दूसरा दोस्तों, वांछित शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री को चयन के लिए, अब जब आप ये समझ गए कि बच्चा ऐसे सीखेगा, किस विधि से सीखेगा, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन कौन से आपके किताबें चाहिए, कौन कौन से ऐसी सामग्री चाहिए जिससे बच्चा सीख सकता है। हो सकता है बच्चों के साथ खेल के सीखना चाहता हो सकता है बच्चा भ्रमण करके सीखना चाहता हो सकता है बच्चा खुद करके सीखना चाहता हो। तो आप अब नए नए शिक्षण विधि और शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। आपने ये समझ लिया कि बच्चा कैसे सीखेगा, अब आप उसको कैसे सिखाएंगे, किन सामग्रियों का प्रयोग करना है, ये जानने के लिए एक शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है, ये जानने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरत होता है। चलिए, शिक्षक को छात्रों के व्यवहार संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में अवगत कराना, वही बात है ना, टीचर समझता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है। शिक्षक तथा अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं युक्तियों का प्रदान करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे, किस स्टाइल से सॉल्व करेंगे, इन चीज़ों के बारे में जानना शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब उसके कुछ अन्य उद्देश्य देखेंगे, सामाजिक संबंधों के स्वरूप एवं समायोजन की प्रक्रिया का बोध करना, कि आप बच्चे को कैसे समाज से जोड़ सकते हैं, बच्चे को कैसे सामाजिक बना सकते हैं, इन चीज़ों के समझने के लिए क्या करना दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। और ये क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर विभिन्न तरह के बालकों में विकास में सहायक होना। दोस्तों सच्चा, जब तक हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करेंगे, हमें ये नहीं समझ में आएगा कि बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे कम सीखते हैं, कुछ की आईक्यू तेज होती है, कुछ की आईक्यू कम होती है। तो क्या हम केवल तेज वाले को पढ़ा के चलेंगे, या फिर जो कमजोर है उसी के साथ रहेंगे और सिलेबस छोड़ देंगे? नहीं, आपको दोनों में सामंजस्य बताना है, दोनों में स्थापित करना है, एक संबंध बना के चलना है। और शिक्षा मनोविज्ञान का यही उद्देश्य है दोस्तों कि दोनों को साथ लेके चलना है। जो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया जारी रखनी है, ठीक है। चलिए, शिक्षा के उद्देश्य युक्तियों विधियों प्रविधियों व्यूहों की रचना आदि में सहायक होता है, कैसे आप पढ़ाएंगे इन सबकी रचना करने में सहायक होता है। और वांछित अधिगम की दिशा बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए विधियों तथा युक्तियों, मतलब बच्चों को मोटिवेशन भी तो देना है, बच्चों को इंस्पायर करना है, मोटिवेशन देना है, इन सब ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत आती है। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, मैं यहाँ पे आ सका। देखो, मनोविज्ञान क्या है ना, मनोविज्ञान कोई ऐसा विषय नहीं, साइकोलॉजी ऐसा विषय नहीं जिसे आप रट लें। अब आपको ये लग रहा होगा कि सारी चीज़ें, वास्तव में सारी चीज़ें हैं ही वही, सारी चीज़ें वही हैं दोस्तों, कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना है, बस सिंपल सा ये दोस्तों, कि साइकोलॉजी का मतलब किसी के भी व्यवहार का अध्ययन करना, किसी के भी सोच का, दिमाग का, उनके मन की शक्तियों का अध्ययन करना, बस इतना ही है साइकोलॉजी। और शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब कि साइकोलॉजी का शिक्षा में प्रयोग कर देना, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, अब उसको पढ़ाना है। अब आप इसकी विशेषताएं क्या होंगी, इसका उद्देश्य क्या होगा, बच्चे सीखे, आप इसको अपने शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, बस यही है, बस यही है। तो आप इसको रट के नहीं, समझ के, अब यहां तक समझ में ना, आप उसको पेन उठा के जिसे हेडिंग डालिएगा और जितने भी पॉइंट आपको समझना है लिख के जाइएगा। कुछ पॉइंट रिपीट हो सकते हैं, डेफिनेटली रिपीट होंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट होने दीजिए, समानताएं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल आपसे पूछता है दोस्तों कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है।
शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध। अब मान लीजिए कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई मनोवैज्ञानिक है, किसी के व्यवहार का अध्ययन किया, जब तक आप उसको एजुकेशन में यूज नहीं करेंगे वो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी। तो शिक्षा और मनोविज्ञान में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जो भी व्यवहारों का अध्ययन है उसको आगे बढ़ाना, उसको शिक्षा में इस्तेमाल करना, बच्चों के बिहेवियर को चेंज करना, ठीक है। कोई मान लीजिए किसी बच्चे का बिहेवियर खराब है, मतलब वो सही से नहीं सीख पाता है या फिर चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाता है, आपने इसका अध्ययन किया और आपने ये भी जाना कि उसको सही किया जा सकता है, तो जब इसको एजुकेशन में यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वो कमी दूर हो जाएगी, उसकी वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन कर देना। मनोवैज्ञानिक जो शोध हैं, जो रिसर्च हैं, उसका शिक्षा क्या करता है, शिक्षा वास्तव में उनके व्यवहार में परिवर्तन कर देता है, उनको वो चेंजेस ला देता है, वो क्या करता है, लागू कर देता है। अभी समझिए, वर्तमान में शिक्षा को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिए मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक हो रहा है। इसी कारण इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षा का मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब हम लोग स्कूल टाइम में थे ना, उस समय बच्चों को मारा जाता था, मुझे लगता है कि हमसे पहले वालों को और ज़्यादा मारा जाता था, मतलब पनिशमेंट दी जाती। आजकल के स्कूली बच्चों को आप नहीं मार सकते, अगर आप टीचर नहीं पनिश नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो मेंटल प्रेशर होता है, वो अभी उनके बच्चे क्या है, वो जवाब नहीं दे देंगे, हो सकता है स्कूल ना आए, स्कूल छोड़ दे। तो ये गाइडलाइंस है कि आप बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये कैसे पॉसिबल है, साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन के बाद पॉसिबल हुआ। तो देखेंगे आजकल का शिक्षा का मुख्य आधार क्या है, मनोविज्ञान है। आज की शिक्षा तो पूरी तरह से बाल केंद्रित है। बालक केंद्रित का मतलब बच्चा सब कुछ है, बच्चा सर्वोपरि है, बच्चे को केंद्र में रख के आपको पढ़ाना है। शिक्षा केंद्रित नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे क्या फायदा है, नहीं, बच्चे को कैसे फायदा होगा। अगर बच्चा मान लीजिए ठंडी में सुबह ठंड लग रही है तो सुबह उसको नहीं बुला सकते आप, धूप निकलने के बाद बुलाइए। गर्मी में 9 बजे या 10 बजे बहुत ज्यादा धूप हो जाती है तो आप 10 बजे नहीं बुलाएंगे, आप उसको सुबह 7:30 बजे बुलाएंगे, 8 बजे, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो आज की शिक्षा क्या दोस्तों, पूरी तरह से बालक केंद्रित है, ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से बहुत निकट आ गए, अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है भैया, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है। मैंने जो शुरू में कहा था कि मनोविज्ञान क्या करता है, आपके व्यवहारों का अध्ययन करेगा, और शिक्षा क्या करेगा, शिक्षा उस व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। इसी प्रकार दोनों ही मानव जीवन से संबंधित है, तथा दोनों का ही केंद्र बिंदु व्यक्ति है। व्यक्ति है क्यों, मैंने मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा परिवर्तन लाता है। वास्तव में मनोविज्ञान जहां मानव की गहराइयों में पहुंचकर विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर मानव की अनुभूति और व्यवहार तथा व्यवहार का तथ्यपूर्ण विश्लेषण करता है, वहीं शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन करती है, और मानव व्यवहार में यह वांछित परिवर्तन मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं नियमों के आधार पर अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। मनोविज्ञान ने यह अध्ययन किया कि आप इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, इस तरीके से बच्चों को बेहतर बना सकते हैं, इस तरीके से पढ़ाने से आप बच्चों के को एक सामाजिक व्यक्ति बना सकते हैं, शिक्षा में आप उसको इस्तेमाल करेंगे, वास्तव में बच्चों का पूरा व्यवहार ही वैसा हो जाएगा। और उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य रिजल्ट आउटपुट वही निकलेगा जो आपने साइकोलॉजी के रिसर्च में निकाला था, जो मनोविज्ञान की रिसर्च में निकाला था कि बच्चे को सामाजिक व्यक्ति बनाना है, शिक्षा में इस्तेमाल करके आप बच्चों को सामाजिक व्यक्ति बना देंगे। समझ में आ गया, चलिए। इस तरीके से शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या है, परस्पर अत्यंत संबंध है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, पैथोलॉजी ने क्या लिखा था। पैथोलॉजी दोस्तों, मैं जहां तक पैथोलॉजी को पढ़ता हूं, मैंने कभी इनको पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जब इनकी परिभाषाएं देखता हूं ना, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं इसको पढ़ूं। तो दो कार्य हैं, मतलब अगस्त तक बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बिहार की परीक्षाएं हैं, सीटेट का परीक्षा है, आपके बीएड की परीक्षा है। तो अगस्त के बाद ये मेरा खुद से प्रॉमिस है कि जब भी मुझे समय मिलेगा मैं पैथोलॉजी को पढ़ूंगा। इनके सोच ऐसी थी ना, ये स्कूली शिक्षा पे बल नहीं देते, इनके अनुसार स्कूल में ताला लगा दो, स्कूल में बच्चों को मत पढ़ाओ, उनको बाहर वातावरण में पढ़ाओ, उनके व्यवहार को पढ़ाओ। तो इनकी परिभाषाएं बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए मैं इनकी परिभाषाओं से बड़ा ही इंप्रेस हूँ, और मेरे को ये डेफिनेटली पढ़ना चाहता हूँ कि इनकी सोच क्या थी। मतलब इनका कहना था कि बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाओ, ये पूरी शिक्षा के बड़े खिलाफ थे। तो आइए फिलहाल शिक्षा मनोविज्ञान में देखते हैं कि इन्होंने क्या परिभाषाएं दी। मनोविज्ञान के शिक्षा संबंधित महत्व स्वीकार करते हुए पैथोलॉजी ने लिखा कि शिक्षक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान मनोविज्ञान के अध्ययन के अभाव में संभव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई बच्चा, कोई शिक्षक अगर बच्चे का को समझना चाहता है तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि बिना साइकोलॉजी पढ़े वो समझ जाए। तो शिक्षा ज्ञान मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना के अभाव में संभव नहीं है। तो मनोविज्ञान का हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बच्चे को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए तो सोचिए, बीएड में इसको रखने की क्या जरूरत है, आप समझिए, जब आप पढ़ेंगे इस पूरे विषय में पढ़ेंगे, हर एक अवस्थाओं में बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, हर एक अवस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं, हर एक अवस्था में बच्चे कैसे समझते हैं। 0 से 2 साल के बच्चे, जैसे एक मैं आपको वो बताता हूँ,
जैसे जैसे जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 साल की अवस्था में उन्होंने माना था कि बच्चे के अंदर एक एक वो एक क्वालिटी होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। वो हर एक चीज दूसरे को पक्ष को नहीं समझ पाया। तो इस उम्र में बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं। अब आप इसको ख्याल खिला के मतलब अपने प्रेम से कैसे इसको समझाएंगे ये आपकी क्वालिटी है, वो बच्चा समझेगा नहीं। 2 से 7 साल का बच्चा है ना, उसको आप साइड में ये कहिए कि ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट हैंड है, तो आपके बगल में वो कहेगा कि वो मेरा राइट हैंड। वो चीजों को रिवर्स नहीं सोच पाता है, रिवर्स उसको सोच नहीं पाता, या फिर दूसरे के ओपिनियन को बहुत जल्दी नहीं समझ पाता है। तो जब हमें ये पता होगा, कोई बच्चा मान लीजिए 2 से 7 साल का बच्चा है, आप उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप उसको कुछ और बता रहे हैं, वो कुछ और, तो आपको गुस्सा गुस्सा क्यों आना है भाई? ये उसकी व्यक्तित्व, उसकी प्रकृति है कि वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा। वो 2 से 7 साल के बीच का है तो वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा। आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आपको तो मुस्कुराने की जरूरत है कि हाँ ये सच में उस नियम को फॉलो कर रहा है। अब आप उसको और कैसे समझा पाते हैं? और उस उम्र के बच्चे खेल खेल में ज्यादा भाग लेते हैं, तो किसी के साथ खेल के सिखा के ऐसे आप उसको समझाएंगे। समझ में आ रही बात? इसीलिए दोस्तों साइकोलॉजी का अध्ययन बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको ये आपके कोर्स में रखा गया। बड़ा अच्छा विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, इसके अंदर आपकी रुचि उत्पन्न होती जाएगी, बशर्ते कि आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेंगे, एक दो पॉइंट और है, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि, अगर आपको मन को पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान को अध्ययन करना है, तो इसकी कुछ विधियां हैं। ये निम्न विधियां यहाँ पे दी गई हैं, हर एक को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम में आप ये पूछ देता है शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करिए और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि लिखिए और किसी एक या दो की व्याख्या करने को पूछता है, तो जो मुख्य रूप से पूछता है हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये तमाम वो मेथड्स हैं जिसके अनुसार आप किसी के मन को पढ़ सकते हैं। पहला दोस्तों अंतर निरीक्षण विधि, अंतर निरीक्षण विधि या फिर अंतर दर्शन विधि, आप जैसे शब्दों से समझ सकते हैं, खुद से खुद को निरीक्षण करना, खुद से खुद के मन को जानना, यह अंतर निरीक्षण होता है। बाह्य निरीक्षण विधि का मतलब कोई आपकी व्यवहार का देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और वो समझ रहा है, ठीक है, ये बाह्य निरीक्षण विधि। प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल मेथड, व्यक्ति इतिहास विधि मतलब उसके पूर्व के अनुभव के आधार पर उसने कैसे किया था, गथा वर्णन विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन, याद रखिएगा साक्षात्कारात्मक, प्रश्नावली, सांख्यिकी, उपचारात्मक, परीक्षण और मनोविश्लेषण विधि, ये वो तमाम विधियां हैं जिसके जिसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, किसी के मन को जान सकते हैं, किसी मन को पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम कुछ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। अक्सर सवाल यही पूछता है, अंतरदर्शन विधि पूछ लेगा, जैसे अंतरदर्शन विधि यहाँ से आपको अक्सर पूछ लेता है, या फिर आपका प्रयोगात्मक पूछ लेता है, कहा गया ये अंतरदर्शन आपसे पूछ लेगा, या फिर आपसे प्रयोगात्मक अक्सर यहाँ पे पूछ लेता है, बाह्य निरीक्षण भी कभी कभी पूछ सकता है, उपचारात्मक भी पूछ सकता है, उपचारात्मक मतलब रेमेडियल मेथड्स, ठीक है। तो हम वन बाई वन यहाँ पे डीप देख लेते हैं। जैसे पहला हमारे दोस्तों अंतरदर्शन विधि, अंतरदर्शन विधि में जैसे मैंने आपको बताया कि अध्ययन करने वाला खुद को मन को जानने की कोशिश करेगा। जैसे अंतरदर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। स्टाउट ने अंतरदर्शन के 3 स्तर बताए, कौन कौन सा, व्यक्ति अपने मन का अंतः निरीक्षण करे, स्वयं से निरीक्षण करे, उसका विश्लेषण करे, खुद समझे कि क्या कमी है, क्यों कमी है। मोबाइल जब चार्ज में लगाया तो हम ओवरथिंकिंग क्यों कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, इसको कैसे दूर करेंगे, तो आपको सेल्फ क्या करना है, सोचना है। मानसिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने का प्रयास करें। अब जब समझ में आ गया कि ये फालतू को ओवरथिंकिंग है, होना वही है जो हो रहा है, होना वही है जो घर वाले चाहेंगे, तो हम क्यों फालतू में परेशान हैं, तो ठीक है जो कर रहे हैं करने दीजिए, अब बस आप ये कह दीजिए कि जैसे आपको सही लगे हम उसको फॉलो करेंगे, बात खत्म। क्या ही मतलब है सोचना भाई, सही बात है कि जिस सोच से कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला, कुछ आउटपुट नहीं निकलने वाला, होना वही है जो हो रहा है या होगा वही जो हो रहा है, तो फिर हम क्यों सोचें भाई, हम क्यों सोचें। चलिए, लेकिन कहना आसान है, मैं समझ सकता हूँ कहना आसान है, लेकिन जब अपने ऊपर होती है तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा बिजी, मैं मानता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ओवर थिंकिंग को, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम खुद को बिजी रखते हैं। बिजी कैसे रखते हैं, किसी प्रोडक्टिव काम में, जैसे रात को अक्सर ओवर थिंकिंग अगर आपकी हो रही है, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, तो आप खुद को बिजी रखिए ना। कैसे बिजी रख सकते हैं, कल सुबह आपका कौन, कल सुबह के लिए कोई इंपॉर्टेंट काम अपने पास रखिए। जैसे मैं पर्सनली जब सोने जाता हूँ तो मेरे पास कल सुबह वीडियो बनाने के लिए कुछ कंटेंट रहते हैं, और मेरे अंदर ये बेचैनी रहती है कि मुझे वो बनाना है, अगर वो मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर वो लेट हो जाएगा। तो आप अगर सो रहे हैं तो कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम रखिए कि हाँ मुझे कल वो करना है, अगर आज मैं जल्दी नहीं सोऊंगा, अगर मैं जल्दी नहीं उठूंगा तो वो मेरा काम मिस हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को समय के अनुसार खुद को बिजी रखिए कि इतने बजे से पहले मुझे ये काम करना है, तो भाई मजबूरी है कि वो करना, तो फिर अगर आप सोचते रह जाएंगे, सोएंगे नहीं, समय खराब करेंगे, फिर वो काम आपका डिले हो जाएगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए इंसान को खुद को बिजी रखना चाहिए और एक अच्छे एक एक अच्छा कम से कम एक अच्छा ऐसा दोस्त रहे जिससे बात करने के बाद मूड फ्रेश। चलो ठीक है, आइए अंतरदर्शन विधि के गुण समझते हैं, इसकी क्वालिटीज क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं। तो देखिए, इस पद्धति में सबसे बड़ा गुण यह है कि व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने को समझने में समर्थ हो जाता है। व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं
क्रियाओं का सीधा अध्ययन अंतर्निरीक्षण द्वारा ही संभव है। जैसे सुख दुख में किस प्रकार का अनुभव होता है उसका उत्तर वह अंतर्निरीक्षण के द्वारा दे सकता है। ठीक है, जैसे सुख दुख में मान लीजिए आप बहुत गुस्से में तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये आप खुद जान सकते हैं ना, खुद से समझ सकते हैं। और पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत गुस्से में होता हूँ तो खामोश रहता हूँ, नहीं बात करता हूँ, जाओ टाटा भाई, मतलब खामोश रहता हूँ, ठीक है, मैं बोलता ही नहीं, जैसा तुम करो, हाँ ठीक है, जैसा तुम करो वैसा सही, ठीक है। तो ये अंतर्निरीक्षण विधि के गुण है, ठीक है, ये क्या करता है, खुद के मन को जान सकते हैं, खुद के व्यवहारों को जान सकते हैं। इस विधि का प्रयोग किसी भी समय और किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। इस पद्धति में किसी प्रयोगशाला यंत्र व सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। रॉस ने कहा मनोविज्ञान का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोग प्रयोगशाला होता है। मनोविज्ञान में खुद का जो मस्तिष्क है वही प्रयोगशाला है, क्योंकि यह सदैव उसके साथ रहता है, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी निरीक्षण कर सकता है, वो कभी भी सेल्फ निरीक्षण यानी कि सेल्फ इंस्पेक्शन कर सकता है, वो खुद अंतर्दर्शन कर सकता है, उसका मन उसका दिमाग ही क्या है, प्रयोगशाला है, किसी भी समय कभी भी कर सकता है किसी भी स्थान पर। चलिए अभी वीडियो के बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो आपको करना पड़ेगा। इस पद्धति का बार बार प्रयोग करने से व्यक्ति का विचार शक्ति बढ़ता है, डेफिनेटली। इस विधि से दूसरे की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। मानसिक क्रियाओं के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों का जो अनुभव है उनका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि वो इस तरीके से सोचता है या इस तरीके से सोचता है, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक कर सकते हैं। अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा मनोविज्ञानी का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हुआ, अतः मनोविज्ञान का विज्ञान बनाने में इस विधि का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि इस विधि का प्रयोग क्षेत्र सीमित है, फिर भी इसकी सहायता से मनोविज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन हुआ अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा मनोविज्ञान। अंतर्निरीक्षण का मतलब समझ लिया आपने, अब इसके गुण क्या है भाई, किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है, आप खुद को जान सकते हैं, कभी भी जान सकते हैं, और खुद को जानने के लिए सबसे ये बेस्ट विधि है, और इसी से मनोवैज्ञानिक विधियों का जन्म हुआ, इसी से मनोवैज्ञानिक विधियां आगे हुई। हालांकि इसका क्षेत्र सीमित है, क्षेत्र सीमित का मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसको आप नहीं समझ सकते तो वो क्या करेंगे, आप दूसरों से संपर्क करेंगे। अब इसकी कुछ आलोचना भी हुई, आलोचना मतलब या फिर इसकी कमी देख ली, इसके कुछ दोष भी हैं। अंतर्दर्शन विधि सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, समझ में आ रही है, उस चीजों को समझने के लिए, उस चीजों को जानने के लिए आपको उस मैच्योरिटी लेवल तक भी तो पहुंचना पड़ेगा, उतना परिपक्व भी होना पड़ेगा, तभी आप उन चीजों को जान सकते हैं। जिनमें चिंतन की क्षमता है वही लोग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें चिंतन की क्षमता है वही लोग। छोटे बच्चे वो असामान्य व्यक्ति अंतर्दर्शन नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के अंतर्दर्शन के आधार पर सामान्य नियम निकालना दुष्कर है, मतलब एक विधि के अगर कोई एक व्यक्ति अपना अंतर्दर्शन कर ले तो वो सामान्य नियम नहीं हो सकता, वो उसके लिए लागू होता है, कोई जरूरी नहीं वो दूसरों के लिए भी लागू हो सके, तो ये सामान्य नियम नहीं निकाल सकते आप, बस हाँ अपने मन को जान सकते, ठीक है। जैसे मैं अगर टेंशन के समय ये काम करता हूँ और वो भी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, सामान्य नियम नहीं बन सकता। अब इसी तरीके से दोस्तों बाह्य निरीक्षण या बाह्य दर्शन, ये बिल्कुल इसके विपरीत है, उसमें आपने खुद के मन का अध्ययन किया, इसमें आपके अनुभव के आधार पर, आपकी क्रियाओं के आधार पर कोई दूसरा आपका अध्ययन करेगा। इस विधि के अध्ययनकर्ता व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करता है। इसमें बाह्य रूप से जो कुछ स्पष्ट दिखाई देता है उसका निरीक्षण किया जाता है और उसी आधार पर उसकी मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आप देखेंगे कि वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा पढ़ रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, तो उस आधार पे उसकी, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो बड़ा इंटेलिजेंट है यार, बड़ा जल्दी काम कर दिया उसने, आप इस तरीके से आप निर्णय लेते हैं। व्यक्ति के व्यवहार क्रियाएं या प्रतिक्रियाओं या ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके उसकी मानसिक अवस्था का पता लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के कार्य क्रियाएं आप उसका ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर आप समझेंगे कि ओहो लड़का तेज है पढ़ने में, दिमाग है, इंटेलिजेंट है। जैसे मान लीजिए अगर आप अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि चलो आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपका पेशेंस लेवल अच्छा है, आप खुद को कुछ समय तक रोक सकते हैं, पढ़ाई में कुछ समय दे सकते हैं, ये मैं आपके व्यवहार को देख के बता सकता हूँ कि चलो आपने यहाँ तक देखा। अगर आप मान लीजिए 25 मिनट या 20 मिनट जो भी हो आप लगातार बैठ सकते हैं, आप पढ़ाई से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। कुछ लोग बीच में भी चले गए, चले गए मतलब उनको समझ में नहीं आया, वो ये मेथड समझ में नहीं आया, तो उनके मस्तिष्क का ये पता चलता है कि वो इतने लेवल तक उनके पास पेशेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको देख के ये कह सकता हूँ। चलिए अच्छा, आप भी कुछ निरीक्षण कर सकते हैं, आप भी मुझे देख के कुछ बता सकते हैं कि मेरी सोच कैसी है या फिर मेरा मेंटल लेवल कैसा है या फिर मेरी व्यक्तित्व कैसा है, उसको जरा कमेंट पे बता दीजिए। देखते हैं कि आप क्या निरीक्षण करते हैं मेरे बारे में। ये बेस्ट एग्जांपल हो गया ना, जैसे मान लीजिए मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ, कोई प्रतिक्रिया कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज में हाथ का रिएक्शन कर रहा हूँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं इंटरेक्ट कर, तो ये सारी चीज़ें मेरी क्रियाएँ होंगी। अब इस आधार पर आप क्या सोचते हैं, इस आधार पर आप क्या सोचते हैं मेरे व्यवहार के बारे में या मेरी मानसिक शक्ति के बारे में, उसको कमेंट में बताइएगा। तो ये बाह्य निरीक्षण हो गया, इसी ये बेस्ट एग्जांपल है बाह्य निरीक्षण। चलिए जैसे व्यक्ति का मुस्कुराता देखकर हम जान लेते हैं कि वो प्रसन्न है, जैसे मान लो मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं प्रसन्न हूँ, ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं।
आंसू बहाते देखकर आप समझते हैं कि लड़का दुखी है, जैसे चेहरे को मुंह बनता हुआ देख के समझ सकते हैं कि लड़का दुखी है। बाह्य निरीक्षण द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में होने वाले व्यक्तित्व के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, बाह्य निरीक्षण की, ये बाह्य निरीक्षण की क्या है, एक विधि है। हालांकि इसमें जरा बॉलीवुड को मिक्स मत करेगा, क्योंकि बॉलीवुड में मिक्स कर देंगे आप, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो है कौन सा गम जिसे छुपा रहे हो। तो यहाँ पे बाह्य निरीक्षण कहता है कि कोई मुस्कुरा रहा है मतलब खुश है, और बॉलीवुड कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई गम है जिसे छुपा रहे हो। बस भैया, मैं पर्सनली खुद को बॉलीवुड के शेरो शायरी से बड़ा दूर रहता हूँ, ठीक है। इनके दिल टूट जाते हैं, इनका मुस्कुराना मतलब गम छुपाना होता है, इनका दिल दरिया होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए मैं खुद को इन चीजों से दूर रखता हूँ। चलिए, और आंसू बहाना मतलब आप समझ सकते हैं कि दुख। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई बाह्य निरीक्षण के बारे में। डेफिनेटली मेरा निरीक्षण करिएगा जरूर, ठीक है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं। लास्ट देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। लास्ट क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकल मेथड कह सकते हैं जिसको प्रयोगात्मक विधि कह सकते हैं। अब प्रयोगात्मक विधि का मतलब बस समझ जाएंगे इसको। चलिए इस मेथड को जरा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को दो टास्क देते हैं। पहला एक होता है जिसको वो खुद रूप से चूज करता है, मान लीजिए कोई कार्य है उसने खुद चूज किया। दूसरा हम उसे देते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दो चर लिखे, एक स्वतंत्र चर है, दूसरा नियंत्रण चर, नियंत्रक कारक या नियंत्रण कार्य कर जिसको आप कंट्रोल करते हैं। अब आप देखेंगे कि वो बच्चा जो खुद से चूज कर रहा है उसमें वो कितना एक्टिव है, मतलब प्रैक्टिकली आप उसको करने देंगे। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि एक दिन का टीचर बना देते हैं ना बच्चों को, भैया तुम आज एक दिन के टीचर हो, तो वो कैसे पढ़ा रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है उस चीज़ों पे, उसको आप कंट्रोल करेंगे और उसके प्रैक्टिकली तौर पे सीखने मिलेंगे। जैसे मैंने खेल में बुला लिया, या फिर कोई प्रैक्टिकल कार्य दे दिया, ड्राइंग दे दिया, या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने का कार्य दे दिया, तो उसको किस हिसाब से कर रहा है, ठीक है। बाद में हम इंस्ट्रक्शन, जैसे नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको यहाँ पे ऐसा चेंज कर दो, फिर वो कितनी जल्दी से उसको चेंज कर रहा है, कितनी जल्दी से वो कार्य कर रहा है, इसके अनुसार हम उसके मन को जानते हैं, उसके मस्तिष्क को जानते हैं, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके कार्य को प्रैक्टिकल या प्रयोगात्मक कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मुख्य वो पॉइंट्स है जिससे आपसे सवाल में पूछे जाते हैं। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच, टेंशन मत लीजिए, डेफिनेटली आपको सवाल यहाँ से मिलने वाले हैं, डेफिनेटली आप यहाँ से समझने वाले हैं। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ा था, शिक्षा मनोविज्ञान को जाना था, और साथ ही साथ हमने मनोविज्ञान को जाना था। ये फोटो रह गया था, इसको समझ लीजिए ये क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान को एक सचित्र अगर आप प्रदर्शित करना चाहें तो देखिए, एक तरफ है आपका एजुकेशन स्कूल जहाँ पे आपको शिक्षा मिलती है, दूसरा दोस्तों साइकोलॉजी और मनोविज्ञान जो आपके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जो एजुकेशन है, शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है दोस्तों, आपके व्यवहार को मॉडिफाई करता है, आपके व्यवहार को और बेहतर बनाता है, और साइकोलॉजी क्या है, आपके व्यवहार को अध्ययन करता है। तो जब इन दोनों को आप मिला देंगे दोस्तों, इन दोनों को आप मिला देंगे तो व्यवहार के अध्ययन के बाद जो चीज़ें प्राप्त होंगी उसके अनुसार आपके पूरे चीज को मॉडिफाई कर देना, बिहेवियर में बदल देना, यही वास्तव क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको शैक्षिक मनोविज्ञान समझ में आया होगा, उसके अध्ययन की विधियाँ समझ में आया होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट होगी तो निरीक्षण करने को कहा उसका कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों को जोड़िए, जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत।